हेलो गाइस, आप सभी का बालक की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है बैंगन और सोयाबीन की सब्जी बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बैंगन और सोयाबीन की बड़ियों की सब्जी बनाना। बैंगन और सोयाबीन बनाने के लिए ये हमने एक कटोरी सोयाबीन की बड़ियां ली हैं। इनको मैंने भिगोकर पानी में निचोड़ लिया है और एक बैंगन लिया है और ये मैंने तीन टमाटर और चार छोटे साइज के प्याज और तीन से चार मैंने हरी मिर्च, पाँच से छः मैंने लहसुन की कलियाँ और एक अदरक का टुकड़ा लिया है। ये मैंने आधा चम्मच साबुत धनिया लिया है और ये नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। तो आइए बनाते हैं सोयाबीन और बैंगन की सब्जी। सबसे पहले मैं ये प्याज को चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। हमारे प्याज कट चुके हैं, इसी के साथ मैं हरी मिर्च, ये लहसुन की कलियां और ये अदरक की मैं टुकड़े करके इसमें डाल देती हूँ। साथ ही मैं टमाटर भी डाल दूंगी। मैं सारा मसाला एक साथ ही मोटा मोटा चॉपर में चॉप कर लूंगी। अब मैं और ये हमारा मसाला अच्छे से चॉप हो गया है और ये मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैं ऑयल डालूंगी। ऑयल को मैं गरम होने देती हूँ। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब मैं इसमें ये साबुत धनिया डाल दूंगी। मैं जीरे का इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं साबुत धनिया का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही मैं ये मसाला डाल दूंगी इसमें। और इसे अच्छे से मैं भूनने दूंगी और इसी के साथ मैं ये मसाले भी डाल दूंगी। मसाले को अच्छे से भूने देती हूँ। जब तक हमारा ये मसाला भुनता है इसको मैं साइड में कर देती हूँ। बैंगन को मैंने पहले से ही धो लिया था और मैं इसके टुकड़े कट कर लूंगी। और ये हमारा बैंगन अच्छे से कट कर तैयार हो चुका है। और इधर हमारे मसाले ने भी ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। इसे और भुनने दूंगी मैं मसाले को। मसाला हमारा भुनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये बैंगन डाल दूंगी। और साथ ही मैं ये सोयाबीन की बड़ियां भी डाल दूंगी। अब इसके अंदर दो से तीन चम्मच में पानी डाल दूंगी। और इसे मैं ढक के स्लो गैस पे पकने दूंगी। इसे कम से कम 15 मिनट तक हम इसे मीडियम गैस पे ही पकने देंगे। तो आइए चेक करते हैं हम सब्जी को। देखो ऐसे देखने में इतनी बढ़िया लग रही है सब्जी हमारी। ये देखो, इसे मैं थोड़ा सा और ही भुनने दूंगी सब्जी को। इसे मैं एक से दो मिनट और पकने देती हूँ जिससे कि हमारी सोयाबीन चंक अच्छे से पककर तैयार हो जाए। और ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। गैस को मैं बंद कर देती हूँ और इस सब्जी को एक बाउल के अंदर सर्व करूंगी। ये हमारी बैंगन और सोयाबीन की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।